सूर्य कमजोर होने से हड्डियों, आंखों से संबंधित रोग, हृदय रोग और रक्त संबंधी रोग होने लगते हैं। चंद्रमा कमजोर होने पर मानसिक बीमारियां, फेफड़ों से जुड़ी मानसिक तनाव, किडनी, मधुमेह, मूत्र विकार, मुख संबंधी रोग होने लगते हैं। मंगल कमजोर होने पर गंभीर चोट लग सकती है, खून से संबंधित बीमारियां, कंठ रोग, मूत्र रोग, ट्यूमर, कैंसर, पाइल्स और अल्सर आदि होने लगते हैं। बुध के कमजोर होने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, वाणी दोष, त्वचा से जुड़ी बीमारियां, अकलाने की बीमारी, जीभ और दांतों के रोग होने लगते हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर व्यक्ति को लीवर, आंत, पेट, मोटापे और उदर से संबंधित रोग, याददाश्त में कमी होने लगती है। शनि के कमजोर होने से व्यक्ति को शारीरिक थकान, चोट, बाल से जुड़ी बीमारियां, शरीर में दर्द, घुटनों या पैरों में होने वाला दर्द, त्वचा संबंधित रोग होने लगते हैं। शुक्र ग्रह नेत्र, जननांग रोग, मूत्र मार्ग के रोग, यौन रोग, मिर्गी, अपच, गले के रोग, नपुंसकता, बांझपन, वीर्य से संबंधित रोग देता है। कुंडली में राहु के अशुभ होने पर व्यक्ति को मस्तक पीड़ा होने लगती है, बवासीर, पागलपन आदि की बीमारियां होने लगती हैं। केतु, पैरों में दर्द, अचानक बीमारी, परेशानी, कुत्ते के काटने, रीढ़ की हड्डी से समस्या, जोड़ों में दर्द, शुगर, कान, उनीदापन, हर्निया और जननांग रोक देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर भी करें और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क भी कर सकते हैं।